स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट इशू से हमारा फर्स्ट इशू क्या है इंडस रिवर डॉल्फिन्स डॉल्फिन्स इट इज अ वेरी क्यूट एनिमल बट इट इज अ थ्रेटेंड एनिमल एज वेल सो सेंसस ये कौन सा सेंसस है ह्यूमन सेंसस की बात नहीं हम यहां पे कर रहे हम यहां पे बात कर रहे हैं डॉल्फिन सेंसस की राइट द सेंसस ऑफ वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट थ्रेटन किटेशन द इंडस रिवर डॉल्फिन फ्रेश वाटर डॉल्फिन ये जो हैं आपने बड़े ध्यान से देखने क्योंकि हो सकता है जब एक उस उन क्वेश्चन को आप आंसर कर पाओगे या नहीं कर पाओगे उसे पता लग जाएगा आप कितने ध्यान से सुन रहे हो राइट ओके सो इनडस रिवर डॉल्फिन इनका जो सेंसर है वो करवाया जाएगा इट इज सेट टू कमेंस इन दिन पार्ट ऑफ बाय सेंटर सो भारत सरकार जो है वो इंडस रिवर डॉल्फिन का करवाने वाली है। इंडिया में दो तरह की डॉल्फिन मिलती हैं एक है गंगा रिवर डॉल्फिन गजेटिक डॉल्फिन जो गंगा में मिलती है और ये है इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज में मिलने वाली डॉल्फिन तो ये पंजाब का वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन विंग जो है उसने एक स्टेप आके जाके क्योंकि ये पंजाब में मिलती है पंजाब की नदियों में मिलती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो सेंसस करवा रही है पंजाब ने कुछ और इनिशिएटिव्स लेने स्टार्ट कर दिए हैं पंजाब वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन विंग हैज गॉन स्टेप अहेड टू नॉट ओनली प्रोटेक्ट द डॉल्फिन बट ऑल्सो देआर नेचुरल हैबिटेट अब इंडस रिवर डॉल्फिन जो है इसकी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आई की जो क्लासिफिकेशन होती है वॉट इज आई यू सी एन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज ठीक है तो ये एक इंटरनेशनल बॉडी है जो डिफरेंट एनिमल और प्लांट स्पीशीज को कैटेगराइज करती है ऑन द बेसिस ऑफ द थ्रेट परसेप्शन टू देम कि ये कितनी थ्रेट uh, हैं या फिर एक्सटिंक्ट हैं अब इंडस रिवर डॉल्फिन या फिर कोई भी स्पीशीज जब न्यूज में रहती है तो आपको पता होना चाहिए कि उसका थ्रेट लेवल कितना है सो so यहाँ पे आई ने इंडस रिवर डॉल्फिन को क्या कैटेगराइज किया है दे हैव कैटेगराइज इट एज एंडेंजर्ड एंड अनटिल रिसेंटली हमें ऐसा लगता था कि ये जो डॉल्फिन ये पाकिस्तान में मिलती हैं सो दैट दे वर एंडमिक टू पाकिस्तान ऐसा अभी तक हमें लगता था कुछ साल पहले तक कैन यू टेल मी इन द चैट सेक्शन वट इज एंडमिक आई नो सम ऑफ यू नो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता ही होगा सो so, इज्जत बनाए रखिए हमारी एंडेमिक क्या होता है एंडमिजम क्या होता है वॉट इज एंडमिक फिर मैं भी बता दूंगा अब 2007 तक 2007 तक हमें लगता था कि ये जो डॉल्फिन है ये सिर्फ मिलती है पाकिस्तान में राइट right? अब हमें पता लगा है ओके यूनिक टू स्पेसिफिक प्लेस एंड नॉट फाउंड एनीवियर एल्स तो दैट इज एंडेमिज्म बिल्कुल सही एंडेमिक क्या होता है एंडमेक क्या होता है कि अगर मैं कह रहा हूँ कि कोई चीज़ पाकिस्तान के लिए एंडमिक है दैट मीन्स वो पाकिस्तान में मिलती कहीं और नहीं मिलती है लेकिन अब हमें 2007 में क्या हुआ हमें हरीके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हरीके इज़ अ प्लेस वेरी फेमस प्लेस इन पंजाब एंड ऑल द पंजाबीज नो कि ये दो रिवर्स की कॉन्फ्रेंस है ये कौन सी दो रिवर्स हैं ये हैं सतलुज और प्यास जहाँ पे सतलुज और ब्यास जाके मिलती है वहाँ पे हरीके नाम की जगह है हरीके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है तो हमें यहां पर मिली इंडस रिवर अब तब से पंजाब ने और इंडरेंट लें वेरी गुड मॉर्निंग नेहा राइट रॉली सो ब्यास एंड सतलुज का रिसर्च इज बी डन बाई पंजाब डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ प्रजर्वेशन इन पार्टनरशिप विद वाइल्ड लाइफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ऑफ फॉर नेचर इंडिया जो डब्ल्यू डब्ल्यू एफ का इंडिया विंग है उसके उसके साथ मिलकर पंजाब सरकार उनका जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है दे आर ट्राइंग टू प्रिजर्व द इंडस रिवर डॉल्फिन उसकी करंट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं इसीलिए भारत सरकार सेंसस भी करवा रही है कि कितनी डॉल्फिन कौन सी नदी में हैं क्या किसी और इंडस ट्रिब्यूटरी में भी ये डॉल्फिन हैं उनका हैबिटेट यूज का पैटर्न समझने की हम कोशिश कर रहे हैं

Enumeration of freshwater dolphins is being undertaken ऑफ़ फ्रेश वाटर project ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट लेवल पे पंजाब सरकार ने इनको बचाने के लिए इनके habitat को बचाने के लिए कुछ initiatives लेने स्टार्ट कर दिए हैं अगले पाँच साल के लिए ये एक प्रोजेक्ट रहेगा इसमें रिसर्च की जाएगी इन dolphins के बारे में इनके habitat के बारे में और राइपेरियन कम्युनिटीज यानी जो नदी के आस पास रहने वाली कम्युनिटीज हैं उनको एंगेज किया जाएगा उनको साथ लिया जाएगा और कम्युनिटी लेड बायोलॉजिकल मॉनिटरिंग की जाएगी अब नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो डिफरेंट इनिशिएटिव हमने पिछले काफ़ी डेकेट से लिए हैं उसमें हमने एक चीज़ सीखी है कि वहां की जो कम्युनिटी है वो हज़ारों सालों से नेचर के साथ मिल के रह रही है और अक्सर क्या होता था हमने नेशनल पार्क बना दिया तो हमने कम्युनिटी को कहा कि आप यहाँ से बाहर जाओ अंदर आना अलाउड नहीं है क्योंकि आप इनको खतरा पहुंचाओगे सभी जानवरों को लेकिन नाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग कि जो कम्युनिटी होती है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट द नेचर सो अब जो नया एक इनिशिएटिव लेने की यू you नो know, कोशिश रहती है उसमें क्या होता है कि कम्युनिटी लेड वहाँ के जो लोग हैं उनको साथ में लिया जाता है अब ये जो हम मॉनिटरिंग करेंगे कि डॉल्फिन्स कहाँ पर दिखती हैं उनकी साइटिंग कहाँ पे होती है ये हम कम्युनिटी के साथ मिलकर करेंगे पंजाब में विलेजेस अराउंड द हॉट स्पॉट साइट्स हॉट स्पॉट साइट्स कौन सी होती हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा वो जानवर मिलता है यहां इंडस रिवर डॉल्फिन की हम बात कर रहे हैं उसको डेवलप किया जाएगा एज मॉडल्स फॉर कम्युनिटी लेड कंजर्वेशन सो मॉनिटरिंग या फिर कंजर्वेशन ये कम्युनिटी के साथ मिलकर की जाएगी एक्सटेंशन प्रोग्राम विल बी हेल्ड टू डेवलप अ ग्रुप ऑफ डेडिकेटेड इंडिविजुअल्स तो कुछ लोगों को ब्यास डॉल्फिन मित्र ये बना दिया जाएगा ब्यास मैंने आपको बताया सतलुज ब्यास वही नदियां हैं जो यहाँ पर मिलती हैं और वहाँ पे हरी के बनता है तो ब्यास में ये जो ज्यादा दिखी है डॉल्फिन अभी तक इंडस जो रिवर डॉल्फिन है सतलुज में भी हो सकता है कि एक जमाने तक ये रहती हो बट सतलुज इज एन एक्सट्रीमली पोल्यूटेड रिवर नाउ बहुत ज्यादा पोल्यूटेड नदी है वहाँ पे इंडस्ट्रियल वेस्ट Uh, सतलुज में चला जाता है पंजाब के अंदर हालांकि पंजाब में भी पोल्यूटेड होके ही आती है ये नदी तो वहाँ पे इसलिए शायद मरीन लाइफ बिल्कुल नहीं मिल पाती और ऐसी मरीन लाइफ तो बिल्कुल भी नहीं मिलती तो अभी ये ब्यास में मिली है हमें एंड ब्यास डॉल्फिन मित्र बनाए जाएंगे ये भी पंजाब सरकार का ही इनिशिएटिव का पार्ट है और डॉल्फिन इको टूरिज्म को प्रमोट किया जाएगा इको टूरिज्म क्या होता है अक्सर हम देखते हैं कि नेचर जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से बहुत ज्यादा हार्म फेस करती है बहुत नुकसान होता है उसको ये एक तरीका है इको टूरिज्म लाइक डॉल्फिन दिखाने के लिए अगर लोगों को लाया जाए तो वहां पर आसपास जो कम्युनिटीज हैं वो कुछ ना कुछ अपना छोटा मोटा बिजनेस करना स्टार्ट कर देंगी कुछ बेचना स्टार्ट कर देंगी टूरिस्ट को और यू नो टूरिस्ट गाइड्स बन जाएंगे तो उनका जो डेवलपमेंट है ग्रोथ है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है वो नेचर के साथ जुड़ जाएगी सो ये इको टूरिज्म का फायदा रहता है

सिचुएटेड एट द कॉन्फ्रेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ इंडस रिवर सिस्टम आप सभी का आंसर चाहिए मेरे को तो दैट आई ऑल्सो नो कि कौन कौन है है ना वो भी पता लग जाएगा राइट चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया मैंने ये बताया नहीं था आपको लेट्स सी आप में से कुछ को पता होगा बिकॉज दिस इज अ वेरी इजी अ वेरी पॉपुलर क्वेश्चन बहुत बार बार आता है ये सभी एग्जाम्स के अंदर सो so, कौन है हमारे देश का नेशनल एक्वाटिक एनिमल नेशनल एनिमल नहीं एक्वेटिक एनिमल इज इट इंडस डॉल्फिन गंगा डॉल्फिन डुगोंग कोरल्स ओके सो ऑल ऑफ यू सम ऑफ यू आर से हाँ जी सो द राइट आंसर इज गटिक डॉल्फिन राइट इंडस डॉल्फिन नेशनल नहीं है यहां पर यही कंफ्यूजन मुझे पता था होगी और वो थोड़ी सी हो भी गई है स्टेट एक्वाटिक एनिमल है पंजाब का इंडस डॉल्फिन राइट ओके नेक्स्ट इंडियाज फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व इट इज सिचुएटेड इन विच एरिया एंड इट इज ओपन रिसेंटली बाय स्टेट तो यहां पे जो ऑप्शन है लेफ्ट साइड पे आपको उसका एरिया लिखा हुआ है और राइट साइड पे स्टेट जिसने ये डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व खोला है डुगोंग ये राइट right? तो ये ऑलरेडी आ चुका है क्वेश्चन मतलब ऐसा क्वेश्चन एग्जैक्टली ऐसा नहीं डुगोंग के ऊपर क्वेश्चन मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग ए अभी ये सबको नहीं पता था तो so चलिए थ्रू दिस क्वेश्चन आई होप यू आर लर्निंग समथिंग ऑल्सो और अगले इशू के बाद भी क्वेश्चन आ सकते हैं आई डोंट नो शायद आ जाए शायद ना आए तो आपने थोड़ा सा ध्यान से रहना है हाँ जी सीखा हो बिल्कुल सही रॉली इज राइट थैंक यू कीप एडिंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ना मिलजुल के ही हम कुछ ज़्यादा सीख के जाएंगे अब सब कुछ मेरे को तो नहीं पता होगा ना सो कीप गिविंग इन्फॉर्मेशन बट वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन देनी है ठीक है गैस वर्क नहीं करना विच ऑफ द फॉलोइंगे तो सबको पता है है ना क्या ये ब्लू वेल है या फिर सी एलिगेटर है या गंगा डोल्फिन है या फिर इंडस डॉल्फिन है जी हाँ यू आर राइट इट इज इंडस डोल्फिन तो ये याद रखना हमने इन चीजों को